आज की मांग 40। हम लोग बहुत बार ऐसा बोला करते हैं, दुनिया बिगड़ गई है, सब जगह धोखा ही धोखा हो रहा है, इस दगाबाजी दुनिया में अब क्या करे, किसको कहे। लेकिन एक चिंतक ने बहुत अच्छा लिखा है, हर रोज हमको उपयोग में आ सके ऐसा। उन्होंने कहा, माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, किंतु हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। यदि हम अच्छाई के चाहक हैं, बुराई के विरोधी हैं, तो हम 100% अच्छे ही क्यों नहीं बन जाते। हमको तो किसी ने मना नहीं की। हम दुनिया की हर रोज निंदा करते रहेंगे, अफसोस ही करते रहेंगे और सभी के लिए अरुचि करते रहेंगे, इससे तो भला अच्छा है कि हम सबसे पहले अच्छे ही बन जाए। हम कभी भी बुराई करें ना, बुराई का पोषण भी करें नहीं, कितना अच्छा है। हो सकता है ये विकारी दुनिया है, यहाँ माया का राज्य है, तो कहीं ना कहीं धोखा भी हो सकता है, कहीं ना कहीं लालच में फंसने वालों को फंसाने वाला भी हो सकता है। लेकिन इस प्रभु के सृजन में अच्छा भी बहुत है। यदि हमारी दृष्टि पॉजिटिव हो, हमको अच्छाई की ही आवश्यकता हो, तो हमारे लिए इस दुनिया में अच्छी अच्छी बात भी बहुत है, खोजना चाहिए और उसमें ही रस लेना चाहिए। इस दुनिया में धोखेबाजी उनके लिए है जो लालची है, जिसको संत संग मिला नहीं है, जिसको ऐसी कथा वार्ता में कोई जागृति प्राप्त नहीं होती है। या तो वो राग में फंस जाते हैं, या तो द्वेष में, या तो अहम, या तो ममत में। उसके लिए इसी ही दुनिया में अक्षरधाम का भी आनंद मिल सकता है। इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए भैया। इसलिए दुनिया बिगड़ी हो या ना बिगड़ी हो, हमको तो अच्छा होने के लिए किसी ने मना नहीं की। हम अच्छे बने और जहां तक हो सके अच्छा ही बनाए।